Hello students, myself Dr. Mamta Singh. I am assistant professor in psychology sector 6 Bhilai. आज हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे. यह जो टॉपिक है बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर और हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग के सिलेबस से संबंधित है. क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉमन है और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बीसीए के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने किसी भी पढ़ाई से संबंधित जो भी आपका है उसमें आप इस वीडियो लेक्चर का हेल्प ले सकते हैं. तो चलिए आज हम आज का ये टॉपिक चालू करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इतने अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हैं कि आप इसको एक स्लाइड में या एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते. तो इसीलिए हम आज जो लेक्चर कवर करने जा रहे हैं वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे. तो आप देख रहे हैं कि आईटी का जो एप्लीकेशन है वो ट्रेवल, फाइनेंस, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट इत्यादि में है. बट सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशन बिजनेस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में जो एप्लीकेशन है उसको कवर करेंगे. इस लेक्चर में जो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं वो आईटी के बारे में और डिफरेंट फील्ड्स में आईटी का जो एप्लीकेशन है उसको बताया गया है. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है. तो इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल इंटरप्रेटेड एंड प्रोसेस डेटा विद इन अ कॉन्टेक्स्ट टू गिव इट मीनिंग. इसका मतलब है कि ऐसा डेटा जो प्रोसेस्ड हो गया है, जिसका कोई मीनिंग है और वो किसी इंफॉर्मेशन को हमें दे रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशन. एंड टेक्नोलॉजी, technology is a tool or machine that makes our work or life easy. ऐसी tool or machine जिसका use हम daily life में करते हैं और हमारा काम easy होता है, जिसमें computer, printer, telephone इत्यादि apparatus होते हैं जिनका हम use करते हैं. तो information technology क्या हुआ? IT is the use of computer to store, retrieve, transmit or manipulate data or information. It focusing on the management and processing of information using technology through database, computer, telephone, etc. इसका मीनिंग ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और जिसके लिए हम डेटाबेस, कंप्यूटर, टेलीफोन इत्यादि एपरेटस का यूज करते हैं. इम्पैक्ट ऑफ आई टी इन बिजनेस, बिजनेस के फील्ड में आई टी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है. तो डिफरेंट फील्ड्स में इसके प्रभाव पड़ते हैं, जैसे न्यू एफिशियंट मैथड ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए बहुत से एफिशियंट मैथड को सर्च करना, आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उसमें प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है, जिसमें डे टू डे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होता है. Then optimal usage of available resources. जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं उसका मैक्सिमम यूज, ऑप्टिमल यूज, जिससे हमें बेनिफिट ज्यादा हो सके. ग्रेटर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाना. बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसकी क्वालिटी और अच्छी होती जाए. रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कॉस्ट जो भी हमारा करंट कॉस्ट है उसको और रिड्यूस करना. इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के लिए, संस्था के लिए, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो सेफ एंड रिलायबल हो. एप्लीकेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस, बिजनेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज है इसको हम आपको बताएंगे. जैसे ई कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पेरोल सिस्टम, एडवर्टाइजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. एक एक करके हम इस टॉपिक पे चलते हैं और आपको डिटेल बताते चलते हैं. ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर इंटरनेट. पीपल कैन बाय एंड सेल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसमें हम इंटरनेट का यूज करके करें, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है. अगर इसके लिए हम मोबाइल के किसी ऐप का यूज करते हैं तो वो एम कॉमर्स कहलाता है. आज की डेट में ये सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर ऐप है और सबसे पॉपुलर टूल है बोलना चाहिए, जिसका यूज बहुत ही ज्यादा हो रहा है और ये हमारा टाइम सेविंग और बहुत ही एफिशियंट है. बिजनेस कम्युनिकेशन, कंपनीज एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूजेस
स्मार्टफोन, ईमेल, बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन के लिए स्मार्टफोन, ईमेल, लाइव चैट, ऑनलाइन मीटिंग टूल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि टूल्स का यूज करती है, जिससे वो अपने एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सके, जिसमें आईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक, सेल्स और परचेस को मेंटेन करना इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। जैसे आप जो स्टॉक होता है उसमें कोई कमी आ रही है, तो उसमें हम उसको कमी को सेल परचेस करके कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको मेंटेन करके रखना, तो इसको सप्लायर चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के माध्यम से इन तीनों चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसमें आईटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कस्टमर के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और फ्यूचर में उनके रिकॉर्ड्स को यूज किया जाता है रेफरेंसेस के लिए, क्योंकि कस्टमर एक ऐसा कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके माध्यम से ही आगे की पब्लिसिटी या फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है। पेरोल सिस्टम। किसी भी संस्था में जहाँ एम्प्लॉई है वहाँ पेरोल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसमें उनके बेसिक्स, डीए, एचआरए, लोन्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, तो पेरोल सिस्टम के का यूज किया जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत ही आसान और एफिशिएंट बना दिया है। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बिना कोई भी चीज आज लोकप्रिय नहीं हो सकती। आपको पता है प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो वो पॉपुलर तभी होगा जब उसको आप एक प्लेटफॉर्म देंगे, एक जिसका यूज हम किसमें कर सकते हैं, एक मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। यह एडवर्टाइजमेंट नोटिस बोर्ड पे हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, तो यह एक मेजर फैक्टर है जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जरूरी है। डेटा मैनेजमेंट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपने डेटा को डिजिटली स्टोर करके रखती हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस और फॉर करंट रेफरेंसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम helps in identifying surplus manpower which can be deployed after certain inputs so that an individual growth in organization is assured. It helps in human resource planning. Human resource management किसी भी संस्था के जितने भी employee होते हैं उनका record रखना, उनकी growth के लिए, individual growth के लिए काम करना, उनको training प्रदान करना, नए employees का recruitment करना, salary and wages planning करना, ये सारी चीजें उनके अंतर्गत आती हैं, जिससे एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ भी होती है और संस्था की भी ग्रोथ होती है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज सभी जगह किया जाता है, क्योंकि यह डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से एक्सटर्नली और इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस से जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में इसका यूज करता है। एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन एजुकेशन। तो इसी के साथ बिजनेस में आईटी का क्या रोल है आपने देखा, आगे हम देखने जा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या यूज है। आज की डेट में आप खुद देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम टोटली डिपेंड हो गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर पर। बिना इंटरनेट के, बिना स्मार्टफोन के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बोलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें बुक्स को रेफरेंस देना पड़ता है, पर आईटी का क्या रोल है एजुकेशन में ये हम आपको बताते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन एजुकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड बोथ टीचिंग एंड लर्निंग इजियर ड्यू टू वेरियस रीजन। आईटी के माध्यम से टीचिंग और लर्निंग बहुत ही इजी हो गया है, इसके कई कारण है। जैसे इट हेल्प्स द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आईटी ने इसे बहुत ही इजी कर दिया है। एजुकेशन यूजिंग डिजिटल बुक्स। डिजिटल बुक्स का यूज किया जाता है, ई बुक्स का यूज किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स कहीं भी बैठकर इसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकता है।
आईटी हैज मेड एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आईटी के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण सभी स्टूडेंट्स एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कोई इसके लिए लिमिटेशंस नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड एक्सेस टू रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन मच ईजियर। इसके द्वारा जितने भी रिसर्च है और इंफॉर्मेशन है उसने बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इट हैज मेड ग्रुप स्टडीज एंड असाइनमेंट मच ईजियर। ग्रुप स्टडी आसान हो गया है, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, ई असाइनमेंट ले सकते हैं, असेसमेंट ले सकते हैं, एक्सेस टू लर्निंग द मटेरियल एंड लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क। बहुत सारे ऐसे लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे आप देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें डायसेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें ई डायसेक्शन के माध्यम से बिना किसी एनिमल का यूज करे उसका डिमॉन्स्ट्रेशन टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स को दिखा सकता है, जो एक आप आज की डेट के लिए वो एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड शेयरिंग नॉलेज, आईटी के माध्यम से हम कंटिन्यूअस लर्निंग कर सकते हैं और अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल एज लर्निंग एड्स इन वेरियस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऑडियो और वीडियो लर्निंग के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के आगे हम आगे और देखते हैं कि आईटी के जो एप्लीकेशन है एजुकेशन में और कहाँ कहाँ पर है। यूजिंग ऑनलाइन सेमिनार और वेबिनार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आज की डेट में ये बहुत ही कॉमन हो गया है, सभी स्कूलों कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ये कॉमन फैक्टर है और बहुत ही फ्रूटफुल है, सभी स्टूडेंट इसे पसंद करते हैं और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। टीचर्स कैन टेक ऑनलाइन एग्जाम्स असेसमेंट एंड रिजल्ट एनालिसिस, इमीडिएट फीडबैक फॉर बेटर इंट्रैक्शन एंड मोटिवेशन। टीचर आज डिपेंडेंट नहीं है कि क्लासरूम में ही स्ट्रेंथ हो तो ही वो एग्जाम ले सके, तो ही वह पढ़ा सके। आईटी के माध्यम से अगर क्लास में स्टूडेंट्स नहीं भी है तो किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठ के वो ऑनलाइन एग्जाम्स दे सकता है और उसका फीडबैक प्राप्त कर सकता है टीचर। टीचर उसे असेसमेंट दे सकता है, असेसमेंट को चेक कर सकता है, इस प्रकार उससे इंट्रैक्शन एस्टैब्लिश कर सकता है जैसा कि पहले नहीं था। टीचर्स कैन यूज मल्टीमीडिया हाइपरमीडिया एटसेट्रा टूल, अपने लेक्चर को और अच्छा बनाने के लिए इफेक्टिव बनाने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो हाइपरमीडिया मल्टीमीडिया टूल्स का यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा टू डेवलप प्रेडिक्टिव मॉडल इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड होता है जिसके माध्यम से बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए जाते हैं, इसमें आपका रोबोटिक्स भी आता है, न्यूरल नेटवर्क भी आता है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप एजुकेशन को और अच्छा बनाया जा रहा है, बिग डेटा भी उसका एक टूल है। देन प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसमें हम अपने नॉलेजेस को शेयर कर सकते हैं। सपोर्ट इन लार्ज स्केल मटेरियल डॉक्यूमेंट, बहुत सारे लार्ज स्केल मटेरियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें बिग डेटा जो होता है आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपका जो जिस चीज़ों को हमें लेना हो वो हम आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है, डेटा कहीं स्टोर होते हैं डेटाबेस में जिन्हें केवल एक्सेस किया जाता है। ICT एज अ प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट के लिए ICT एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। एजुकेशन टू हैंडीकैप्ड, आज की डेट में हैंडीकैप्ड्स के लिए एजुकेशन बहुत इजी हो गया है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज आ गई हैं जिससे वो आसानी से पढ़ सकते हैं। ब्लाइंड्स के लिए, डेफ एंड डम्ब के लिए बहुत सारे टूल्स बहुत सारे एप्लीकेशंस एप्स अवेलेबल हैं। आईटी कैन डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड क्रिएटिविटी एंड ट्रेनिंग थ्रू स्टिमुलेट एंड गेमिंग टेक्निक्स, बहुत सारी गेमिंग टेक्निक्स ऐसी होती है जिसमें स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट कर सकते हैं और उससे वो मोटिवेट होकर खुश होकर लेक्चर को अटेंड कर सकता है, पढ़ सकता है और वो इसकी लर्निंग जो होती है वो आसान हो जाती है, बोरिंग नहीं होती। इसी के साथ हम आगे का हमारा जो ब्रीफ करेंगे, टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में आईटी ने क्या क्या रोल निभाया है और कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, इसको हम कुछ कवर करने जा रहे हैं कुछ माध्यम से। सारा चीज़ तो कवर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना
वो इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताया जा रहा है. द मेडिकल स्टाफ यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पस सच एज. मेडिकल स्टाफ बहुत सारे पर्पस के लिए जो कंप्यूटर का यूज कर सकता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन सेपरेट लोकेशंस कंडक्ट लाइव कॉन्फ्रेंस ऑन द कंप्यूटर. दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं. मेडलाइन. मेनी वेबसाइट्स प्रोवाइड अप टू डेट मेडिकल फिटनेस न्यूट्रिशंस और एक्सरसाइज इंफॉर्मेशन. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है. वेबसाइट्स अवेलेबल हैं हमारे फिटनेस के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, जो घर बैठे हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है. फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड आईसीटी टूल हेल्थ प्रोफेशनल एनालाइज द फिजिकल एक्टिविटी एक्शन एंड टू एनहेंस एथलीट परफॉर्मेंस. एथलीट के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उनके फिजिकल एजुकेशन के लिए आईसीटी टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन मेडिसिन. बहुत सारे चीजें हम आगे और देखेंगे जहां आईटी का एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में किया जाता है. आप सब भी जानते हैं कुछ चीजें इसमें हो सकता है नहीं होंगी, जैसे ब्लड ग्रुप टेस्टिंग, सभी आप ऐसे अवेयर हैं. फोरेंसिक वर्क्स आते हैं जिसमें हम डीएनए टेस्ट वगैरह करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, डायलिसिस, मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी बोलते हैं जिसे, एटसेट्रा. लेजर ऑपरेशंस, रिमोट सर्जरी. आज सर्जरी, रिमोट सर्जरी आपको बताएं, ऐसी सर्जरी होती है जिसमें डॉक्टर्स फिजिकली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रोबोट्स के माध्यम से रिमोट सर्जरी किया जाता है. इसी प्रकार आगे की होल सर्जरी ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी विदाउट हाईली इन्वेसिव सर्जरी यूजुअली असिस्टेड बाय रोबोटिक्स आर्म्स. जैसे मैंने आपको बताया रोबोट्स के द्वारा भी सर्जरी की जाती है जिसमें बहुत ही सेफ होता है और टाइम सेविंग होता है, बहुत ही एफिशिएंट होता है. नैनोबोट. नैनोबोट टेक्नोलॉजी जो होती है मॉलिकुलर स्केल रोबोट्स होते हैं जो प्रोग्राम टू डिलीवर मेडिसिन एंड डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक सेल्स एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म. हमारे बॉडी में ये मेडिसिन जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होते हैं, तो इस टाइप की मेडिसिन का यूज भी किया जाता है. अकाउंटिंग के पर्पस में भी आईसीटी टूल्स का यूज किया जाता है. इसी प्रकार हॉस्पिटल में जो भी नंबर ऑफ बेड्स होते हैं, चार्जेस एंड फीस ऑफ डॉक्टर्स एंड बिलिंग, केस स्टडी ऑफ पेशेंट, टेलीकम्युनिकेशन, पेशेंट की पूरी जानकारी, पूरी हिस्ट्री, ये सब प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया है, जो डॉक्टर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था. जब तक वो उनका हिस्ट्री चेक नहीं करते, बैकग्राउंड नहीं जानते, तो आगे का ट्रीटमेंट चालू नहीं कर पाते. तो इसमें आईसीटी टूल्स ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन एग्रीकल्चर. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आईटी का जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर में किस प्रकार किया जा रहा है, किस प्रकार एग्रीकल्चर में इसका यूज हो रहा है और इसका इम्पैक्ट मिल रहा है. आईटी हैज प्लेड अ बिग रोल इन डेवलपिंग द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजीज है मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर फील्ड. वेरियस मशीनरीज एंड टूल्स हैव हेल्प्ड द फार्मर ऑफ आवर कंट्री टू प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग द इकोनॉमी. बहुत सारी मशीन्स एंड टूल्स हैं जो फार्मर का हेल्प करते हैं, जो पहले नहीं कर सकते थे, सारा काम उन्हें फिजिकली करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है. वैसे पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में ही आईसीटी टूल्स का यूज हो रहा है. अगर हम स्पेशली अपने इंडिया के लिए कहें तो हम बहुत डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पर, तो आईसीटी टूल के माध्यम से एग्रीकल्चर आज की डेट में बहुत ही अच्छा हो गया है और आगे ग्रो कर रहा है. प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आज जो फार्मर है बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, ई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकता है,
एनवायरमेंट कैसे बचाया जाए उसकी जानकारी ले सकता है, एनर्जी कैसे सेव की जाए इसकी जानकारी ले सकता है। ये सारी चीजें आईसीटी के माध्यम से बहुत ही आसान हो गई हैं। एग्रीकल्चर एप्स क्लासिफिकेशन, बहुत सारे एग्रीकल्चर एप्स बनाए गए हैं जो फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अलग अलग एप्स के क्या रोल है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के एप्स आप देख रहे हैं, जैसे आईडी एप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, इंसेक्ट्स एंड वीड्स के लिए ये ऐप यूज किया जाता है। देन कैल्क ऐप फॉर कैलकुलेटिंग पर्पस, वॉल्यूम टू स्प्रे, टैंक मिक्सेस, किस क्वांटिटी में किस वॉल्यूम में स्प्रे करना है, ये सारी चीजें इससे पता चलेंगी। इकॉन ऐप फॉर चेकिंग ग्रेन प्राइजेस, मार्केट इवोल्यूशन, न्यूज एंड फाइनेंसेस, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसका क्या प्राइस है, ग्रेन का क्या प्राइस है, मार्केट इवोल्यूशन क्या है, इस ऐप के माध्यम से फार्मर को प्राप्त होती है। स्काउट ऐप फॉर स्काउटिंग पर्पस और फॉर जियो पोजिशनिंग, सॉइल सैम्पलिंग, सॉइल टाइप, सॉइल का टाइप क्या है उसका सैम्पलिंग क्या है, यह आज बहुत ही ईजी हो गया है, फार्मर इसको आसानी से इस ऐप के माध्यम से जान सकता है। गाइड ऐप फॉर डायग्नोसिंग क्रॉप प्रोडक्शन इशू इन द फील्ड, फील्ड में क्रॉप का क्या प्रोडक्शन होगा, कैसे हेल्प करेगा इसमें जो भी चीजें हैं, ये इस माध्यम से इस ऐप से जाना जा सकता है। गैग ऐप, गैग जनरल एग्रीकल्चर ऐप फॉर जनरल यूज, मैनेजमेंट, वेदर रिलेटेड, मैगजीन्स एंड मोर, बहुत सारे वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो इस ऐप के माध्यम से फार्मर तक पहुंचती हैं। आईसीटी इनोवेशन फॉर एग्रीकल्चर, आईसीटी के बहुत सारे इनोवेशन हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। जैसे विलेज नॉलेज सेंटर VKC, विलेज नॉलेज सेंटर में गांव के जो लोग होते हैं वो आपस में कैसे मिलजुल कर काम कर सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, इसमें ग्रुप मीटिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस इत्यादि आता है। न्यूज़पेपर के माध्यम से जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है वो उन्हें मिल सकता है। रेडियो, गवर्नमेंट ने अलग अलग रीजन्स में एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स जो रेडियो के माध्यम से आते हैं, जो उनके रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, वो किसानों तक पहुंचाती है। बहुत सारे कियोस्क डेवलप किए गए हैं जिसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर टर्मिनल, इंटरेक्टिव वॉइस मेल इत्यादि किया जा सकता है। वेरियस इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग ICT हैज डन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारे और इम्प्लीमेंटेशन इस फील्ड में किए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर पोर्टल्स हैं, ई चौपाल है, ई सागू हम बता दें आपको कि ई सागू इज एन IT बेस्ड एग्रो एडवाइजरी सिस्टम डेवलप बाय IIIT हैदराबाद। IIIT हैदराबाद द्वारा ई सागू ऐप जो डेवलप किया गया है वो पर्सनलाइज्ड एग्रीकल्चर एडवाइस के लिए किया गया है, जिससे किसान अपना पर्सनलाइज जो भी उनको पूछना है वो उससे पूछ सकते हैं, एडवाइस उन्हें रेगुलरली मिलती रहती है, जिसका जवाब 24 से 36 आवर्स के बीच में किसानों को मिलता रहता है और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एप्लीकेशन ऑफ IT इन गवर्नेंस, फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, कि IT का यूज गवर्नेंस में गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही है इसको हम देखेंगे। ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस इज नथिंग बट अ मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, गवर्नमेंट और उनके नागरिकों के मध्य में एक माध्यम का कार्य करता है ई गवर्नेंस। इट इज द यूज ऑफ अ रेंज ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी by government to improve efficiency, service, etc. नागरिकों को जो services provide करनी है और एक efficiency के साथ e-governance इसमें help करता है, जिसमें internet, mobile, local area network इत्यादि की आवश्यकता होती है। There are 4 types of e-governance. e-governance 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें G2C का मतलब है इस ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसे नाम दिया गया है G2C,
इसके अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे बेसिक सिटीजन सर्विसेज सच एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बर्थ डेथ मैरिड सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विसेज, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म, ये सारी चीजें रोजमर्रा की लाइफ में इंसान को हमेशा लगती है। तो गवर्नमेंट ने सिटीजन्स के लिए ये इजी हो जाए इसीलिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे आसानी से उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो और ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके तहत ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। इसका एग्जाम्पल india.gov.in जो इंडिया का एक नेशनल पोर्टल है इसके माध्यम से दिया जाता है। सेकंड इसका जो टाइप है दैट इज G2E। G2E इज ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय। गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में जो ट्रांजैक्शन है इसको कैसे सर्विसेज दी जा सकती है, इसके अंतर्गत आता है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस फॉर एम्प्लॉय, ऑनलाइन ट्रेनिंग, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को रखना कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे जुड़ना, उन्हें ट्रेनिंग देना जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके, पर्सनल ग्रोथ हो सके, जिसके लिए G2E डेवलप किया गया है। इसका एग्जाम्पल है ई ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज www.egovonline.net। थर्ड इसका टाइप है G2B। G2B इज ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस। गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में जो चीजें लगती हैं, जो एप्लीकेशंस लगते हैं उसके लिए डेवलप किया गया, जैसे डिसमिनेशंस ऑफ पॉलिसीज, मेमोज, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिजनेस इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म्स, रिन्यूइंग लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशंस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एटसेट्रा। सभी सिटीजन्स को इसकी आवश्यकता होती है, लाइसेंस को रिन्यू कराना, रजिस्ट्रेशंस कराना, टैक्स पे करना, कुछ पॉलिसीज के मेमोज, कुछ पॉलिसीज जो लेते हैं वो उनके मेमोज, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिजनेस से संबंधित इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इसके माध्यम से उन्हें मिलती है, जिसका साइट जो है आपका business.gov.in है। इसका चौथा टाइप है G2G। G2G इज ट्रांजैक्शन बिटवीन द सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट एंड बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज के बीच में जो कम्युनिकेशन हो, ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया गया है। इसकी सर्विसेज हैं रिकॉर्ड्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, स्कीम्स, प्लान, इनिशिएटिव। स्टेट गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके जो प्लान्स होते हैं, उनकी जो स्कीम्स होती हैं, इन्हें आम जनता तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, जिसका जो पोर्टल है दैट इज egovstandards.gov.in। ई गवर्नेंस की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसमें आता है, बहुत सारी चीजें आती है वैसे तो, उसमें कुछ चीजें हम यहाँ कवर कर रहे हैं। फास्ट एंड ईजी सर्विसेस, पब्लिक को फास्ट एंड इजी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसीज को इंक्रीज करना। आज हम देखते हैं कि सारी चीजें जो वेबसाइट्स पे हैं उनका प्राइस, रेट, कोई भी सर्टिफिकेट्स बनाना है वो सब हमें सामने सामने दिखा देता है, कोई भी इसमें हमें फेक न्यूज नहीं दे सकता, हमें फ्रॉड नहीं कर सकता, जिससे ट्रांसपेरेंसीज आती हैं। रिड्यूस करप्शन, ये इसका तरीका है कि करप्शन को कैसे डिक्रीज किया जाए, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो करप्शन अपने आप डिक्रीज होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी ड्यू टू कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के माध्यम से एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। ई पोलिंग आप देखते हैं जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें जो हम वोटिंग देते हैं, तो ई पोलिंग के द्वारा भी इस चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, एफिशिएंट इलेक्शंस हो सकते हैं, करप्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। टैक्स को फिल करने के लिए ऑनलाइन टैक्स फॉर्म भर सकते हैं हम एम्प्लॉय।
ई वोटिंग, जो हम वोट देते हैं वो भी ई वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा दिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने सिटीजन्स के लिए, से आम नागरिक के लिए इजी बनाने के लिए किया गया है। थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे के जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपका बीएससी आईटी का अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसमें भी अभी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, तो हम आगे के लेक्चर में उसको कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।